चलिए बच्चों, अब देखिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए जरा। 2014 में आया था। कह रहा, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फाइंड द प्योर एक्सचेंज कॉम्पिटेटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन एंड रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड टू। प्योर एक्सचेंज कॉम्पिटेटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन चाहिए आपको और रिलेटिव प्राइसेस चाहिए गुड टू के। रिलेटिव प्राइस गुड टू मतलब P2 by P1 चाहिए। तो P1 को मान लेंगे न्यूमरेटर, तो P2 की वैल्यू चाहिए होगी मुझको। यहाँ पर एंडोमेंट मार्क कर लीजिए, दोनों के एंडोमेंट क्या है। गुड वन के एंडोमेंट, एजेंट ए के पास एंडोमेंट है 0,20 और एजेंट बी के पास एंडोमेंट है 40,10। एजेंट ए का जो यूटिलिटी फंक्शन है वो है कॉब डगलस और एजेंट बी का जो यूटिलिटी फंक्शन है वो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। देखिए एक बात समझते हैं यहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी आपको, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब जो एजेंट बी है उसका एमआरएस डिफाइंड नहीं है, तो पारेटो एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए, एमआरएस ऑफ ए इज इक्वल टू एमआरएस ऑफ बी, लेकिन बी का एमआरएस तो डिफाइंड ही नहीं है। तो अब इस सिचुएशन हम क्या करेंगे, बी को अपनी जो उसकी इंडिविजुअल ऑप्टिमलिटी कंडीशन है वो लगाएंगे बी के ऊपर, बी की अपनी जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है वो लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर एमआरएस को हम इक्वेट नहीं कर सकते। और पहले बी का इक्विलिब्रियम निकालेंगे और रेजिडुअल वैल्यू ए को देंगे, क्योंकि बी के पास एमआरएस डिफाइंड नहीं, तो बी के हम एमआरएस को ए के एमआरएस से इक्वेट कर नहीं सकते। बी के पास एक स्पेशल कंडीशन है, ए के पास तो लग रही जनरल कंडीशन है एमआरएस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू प्राइस रेशियो, मगर बी में वो कंडीशन नहीं लगेगी, बी की स्पेशल कंडीशन है, इसलिए बी में पहले बी का निकालेंगे इक्विलिब्रियम, जिस केस में भी लग रही है स्पेशल कंडीशन पहले इसको निकालेंगे इक्विलिब्रियम और रेजिडुअल वैल्यू देंगे दूसरे एजेंट को, ठीक है जी। आपने एंडोमेंट होपफुली नोट कर ली होगी, ठीक है। कोई बच्चा बुक में कुछ जरा एक मिनट, धन्यवाद जी। देखिए तो हमको यहां पे रिलेटिव प्राइसेस चाहिए गुड टू का, तो मैं पी वन को मान लेता हूं न्यूमरेटर, लेट गुड वन इज न्यूमरेटर, दैट इज पी वन इज वन, एंड लेट पी टू को मान लेते हैं पी टू इज पी, P2 को क्या मान लेते हैं P। तो फॉर एजेंट बी, फॉर एजेंट बी क्या होना चाहिए जी, इसका यूटिलिटी फंक्शन है U इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मिनिमम X1B X2B, यानी फॉर इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन लगेगी इक्विलिब्रियम के लिए एजेंट बी के ऊपर, X1B शुड बी इक्वल टू X2B। अब इसके एंडोमेंट क्या है, एंडोमेंट है एजेंट बी की 40,10, तो इनकम क्या आएगी एजेंट बी की, इनकम है P1 इंटू W1B प्लस P2 W2B। आप P1 को 1 मान चुके हैं, W1B 40 है, P2 को P मान चुके हैं, W2B 10 है, तो 40 प्लस 10 P, राइट, ठीक है जी बात। अच्छा तो इसकी बजट एन क्या बनेगी, P1 X1B प्लस P2 X2B इज इक्वल टू इनकम ऑफ एजेंट बी, P1 है 1, X1B, P2 है P, X2B, इनकम है 40 प्लस 10P। अब फॉर इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन है, X1B इज इक्वल टू X2B, तो X2 की जगह डाल दो X1, X1B कॉमन आ जाएगा, इंटू 1 प्लस P इज इक्वल टू 40 प्लस 10P, तो X1B क्या आ गया, X1B आ गया 40 प्लस 10P अपॉन 1 प्लस P, X2B भी यही आ गया, दोनों इक्वल हैं, 40 प्लस 10P अपॉन 1 प्लस। अभी फाइनल आंसर नहीं आया मेरे पास, क्योंकि मुझे P की वैल्यू भी चाहिए होगी, वो भी निकालेंगे अभी, मगर हमने अभी X1B और X2B को P के टर्म्स में निकाल दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपने ये जिसकी कंडीशन स्ट्रिक्ट है उसको हमने पहले निकाल दिया इक्विलिब्रियम, और रेजिडुअल वैल्यू दे देंगे किसको, दूसरे एजेंट को।
गुडवन की टोटल सप्लाई कितनी है? टोटल सप्लाई ऑफ गुडवन, एजेंट ए के पास 0 यूनिट्स हैं, एजेंट बी के पास 40 यूनिट्स हैं, तो सप्लाई है 40। तो एक्स वन ए क्या आएगा? ये आएगा 40 माइनस एक्स वन बी, जो बाकी जो टोटल सप्लाई थी उसमें से जो एक्स बी को मिला बाकी ए को मिल जाएगा, यानी 40 माइनस 40 प्लस 10p अपॉन 1 प्लस p। आप अगर एलसीएम लेंगे तो 40 40 कैंसिल हो जाएगा, 30p अपॉन 1 प्लस p, ठीक है जी। और टोटल सप्लाई ऑफ गुड टू कितना है? टोटल सप्लाई ऑफ गुड टू, एजेंट ए के पास गुड टू की 20 यूनिट्स हैं, एजेंट बी के पास 10 यूनिट्स हैं, तो 30 यूनिट्स की टोटल सप्लाई है। तो एक्स टू ए क्या होगा? गुड एजेंट ए को गुड टू कितना मिलेगा? टोटल सप्लाई में से जो बी को मिला माइनस कर दो, बी का तो यही है 40 प्लस 10p अपॉन 1 प्लस p, तो ये आ रहा है 30 माइनस 10 प्लस 20p अपॉन 1 प्लस p। ऐसे लेंगे तो 30 प्लस 30p होगा ना, तो माइनस 10 प्लस 20p अपॉन 1 प्लस p। एक्स वन ए एक्स टू ए आ गया, ठीक है। अब देखो ए का यूनिटी फंक्शन क्या है फॉर एजेंट ए? यू ए क्या है? यू ए है एक्स वन ए इंटू एक्स टू ए, तो एम आर एस ए क्या आएगा? एक्स टू ए अपॉन एक्स वन ए। इसकी ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या है? फॉर ऑप्टिमलिटी क्या होना चाहिए? इसी कंडीशन है जी कि एम आर एस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू प्राइस रेशियो। एम आर एस ऑफ ए है एक्स टू ए अपॉन एक्स वन ए, और प्राइस रेशियो पी वन को लिया वन और पी टू को लिया पी। अब डाल दीजिए वैल्यू, एक्स टू ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 20p माइनस 10 अपॉन 1 प्लस p, 20p माइनस 10 अपॉन 1 प्लस p, और एक्स वन ए कितना आया था? वो आया था 30p अपॉन 1 प्लस p इज इक्वल टू 1 बाय p। ये कैंसिल, तो क्या रह गया मेरे पास? 20p माइनस 10 बाय 30p इज 1 बाय p, p से p कैंसिल, सो नाउ आई हैव 20p माइनस 10 इज इक्वल टू 30, यानी दिस इज 20p इज 40, तो p इज 2। तो रिलेटिव प्राइस गुड टू का क्या हो गया? देयरफॉर P2 by P1 is 2 by 1. The relative price of good 2 is 1. ठीक है। इसने P2 by P1 पूछा था। हो तो कुछ भी सकता है। क्वेश्चन ने पूछा था। फाइंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज है फाइंड द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड 2। P2 by P1 पूछ रहा था। What are 2 by 1? और अब आप सब कुछ निकाल सकते हो। अब देखो X1B क्या आएगा? X1B क्या आया था? एक बार बताना जरा। हाँ जी, 40 प्लस 10p, 40 प्लस 10p अपॉन 1 प्लस p, p डाल दो 2, तो ऊपर हो गया 60 और नीचे आ गया 320। X2b भी सेम था, वो X1b के इक्वल था, तो वो कितना आ गया? वो भी 20। X1a क्या आया था बेटे? 30p अपॉन 1 प्लस p, यानी 60 अपॉन 3, यानी कि 20। और एक्स टू ए क्या आया था जी? 20p माइनस 10 अपॉन 1 प्लस p, 30 बाय 3, यानी कि 10। आप रेजुअली भी निकाल सकते हैं कि जो टोटल सप्लाई थी उसमें बी की निकाल चुके हैं, माइनस कर दो एक आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। मुश्किल है क्वेश्चन? नहीं समझ गए?